बेटा, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, मेरे कहने पर दो घूंट चाय पी लो बेटा। मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया है और आपको चाय बिस्किट की पड़ी हुई है। यहाँ पानी मेरे मेरे हलक से नहीं उतारा है और आप। मेरा बच्चा वो घर छोड़ के थोड़ी गया है, गुस्से से गया है, आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत तरफदारियां करती थी ना आप उन दो चुड़ैलों की, देख ली आपने कैसी जादूगरनियां निकली हैं। देखो बेटा, वसीम पहले मेरा बेटा है फिर तुम्हारा शौहर, मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से गया है, आ जाएगा ना। अगर तुम ये चाहती हो ना कि वो जल्दी से घर आ जाए तो उसकी बात मान लो बेटा। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, जान छिड़कती हूँ उन पर, लेकिन उनकी इस ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आऊंगी। मैंने अपने पुलिस में जानने वालों से पता किया है, वो कह रहे हैं पापा का आईडी कार्ड या पासपोर्ट हो तो उससे लोकेशन पता कर सकते हैं। अलमारी में उनकी सारी चीजें पड़ी हैं, वॉलेट, उनके क्रेडिट कार्ड, सब कुछ है, कुछ भी लेके नहीं गए, निकाल लो। अरे अल्लाह, क्या करेगा मेरा बच्चा, खाली हाथ गया है घर से। आप दोनों परेशान मत हो और मम्मी प्लीज कुछ खाएं पिए, अपना ख्याल रखें। बेटा यही मैं समझा रही हूँ कि कुछ तो खा लो, कम से कम चाय के दो घूंट ही पी लो।